नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम बैक टू तो दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल टियर टीयर वन सिक्स अगस्त 2021 के सिफ्ट टू में पूछे गए इंग्लिश के 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन तो आइए आज इस पेपर सॉल्यूशन को देखते हैं नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने इस वीडियो सेशन में लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल टियर 1 16th अगस्त 2021 के शिफ्ट 2 में पूछे गए इंग्लिश के 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन फ्रेंड्स इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलता रहे साथ ही साथ फ्रेंड्स फेसबुक पेज को लाइक कर दृष्टि के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हर शिफ्ट के क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सके और फिर वीडियो का लाभ उठा सके आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन प्रश्नों को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एडियम्स सेक्शन से है एडियम्स एंड फ्रेजेस के सेक्शन से है तो टू द नाइन्स की एग्जैक्ट मीनिंग होती है एक्चुअली टू द नाइन्स का मतलब होता है जब आप किसी स्पेशल ऑकेजन में स्पेशल अटायर पहनते हैं अच्छी ड्रेस पहनते हैं और बड़ा परफेक्शन के साथ पहनते हैं तो हम लोग कहते भी हैं कि सी ड्रेस्ड अप सिंपल वे में या ही ड्रेस्ड अप ड्रेस्ड अप टू द अपने आप को ही उसने बड़ा अच्छा सा ड्रेस पहना है सी ड्रेस्ड ड्रेस्ड अप या ही अप टू द दाइन्स तो वो परफेक्शन जो है ना इस एडियम्स में वही आंसर के रूप में होगा टू बी परफेक्शन या टू परफेक्शन टू परफेक्ट टू ग्रेट योर आंसर नहीं होगा एंड टू बी एग्जल्टेड एग्जल्टेड का मीनिंग होता है एक्सट्रीम uh, हैप्पीनेस में होना काफी एक्साइटेड होना एंड जेलस तो होगा नहीं ये ईर्ष्या का सेंस है

किसी के आंखों का तारा होना ओके सो एप्पल ऑफ यू ऑल आर द एप्पल्स ऑफ योर पेरेंट्स नाउ द नेक्स्ट वन इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है सिंपल वे में देखो इसमें क्या रखा गया है मैन इज मॉर्टल एंड यू नो वेरी वेल अगर सेंटेंस में जनरल ट्रूथ ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है ना तो सिंपल वे में देखो मैन इज Mortal एक रखा MAN किसी ऑप्शन में रख दिया है मैन MEN तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही पहले हम लोग हटा लेंगे और अब बच्चा मैन मैन इज Mortal तो टेंस चेंज नहीं होगा देखो यहां लिखा मैन वाज Mortal मैन वाज Mortal ये दोनों ऑप्शन भी हटा योर आंसर विल बी मैन इज Mortal और इधर द टीचर सेड दैट सेम रहेगा बस इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट लग जाएगा योर आंसर विल बी ओके तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है ना अगर यूनिवर्सल ट्रूथ जनरल ट्रूथ रख दिया है तो सिंपल वे में टेंस में कोई परिवर्तन होगा नहीं और आंसर आप इजली दे सकते हैं नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक का ये सेक्शन है आई रीड सम डैश ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल द एजेंट एजेंट को बुलाने से पहले फोन करने से पहले कहने से पहले आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा मोनोलॉग्स पढ़ा स्पेस पढ़ा आर्ग्यूमेंट्स पढ़ा उस प्रॉपर्टीज के बारे में तो सिंपल बात है कोई प्रॉपर्टी अपना बेचेगा तो एडवर्टीजमेंट कॉलम में वह डिस्क्रिप्शन देगा ना कि इस प्रॉपर्टी में क्या है क्या क्या फैसिलिटीज हैं कितने लंबे चौड़े स्क्वायर फीट में यह पूरी प्रॉपर्टी है तो कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा ना कि मोनोलॉग्स मोनोलॉग्स का मतलब क्या होता है मोनोलॉग्स होता है एक ऐसी लंबी लॉन्ग एंड ड्रामेटिक स्पीच बाय अ सिंगल एक्टर जो एक सिंगल एक्टर के द्वारा कहे जाते हैं दैट इज द मोनोलॉग्स और इसे हम लॉकवी भी बोलते हैं सॉली लॉकवी क्लियर है तो स्पेसिस हर जगह के बारे में तो उन्होंने नहीं पढ़ा वो डिस्क्रिप्शन पढ़ा उस प्रॉपर्टी के बारे में योर आंसर विल बी डिस्क्रिप्शन आर्ग्यूमेंट तो पता है आपको आर्ग्यूमेंट वर्ड क्या होता है लॉयर आर्ग्यूमेंट करते हैं हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं तो यह आंसर आपका डिस्क्रिप्शन होगा नेक्स्ट वर्ड इज दंगल वॉज नियरली डैश शो द प्रोग्रेस वॉज स्लो सिंपल सा बात है इन मटेरियल दैट कांट बी दैट कांट बी टच दैट कांट बी टच इन मटेरियल ओके नेक्स्ट वर्ड इज इमोर्टल कैन नेवर डाई या नेवर बी डाई सिंपल सा जो मरे ही ना तो ये होगा इमोर्टल इमोबिल का मतलब होता है दैट कांट बी मूव एक जगह से दूसरे जगह ना जा सके एंड इनपैनेटरेबल इनपैनिटरेबल का मतलब क्या होता है दैट कांट बी इंटर्ड That can't be entered. जिसे आप उसमें इंटर ना कर सकें, जिसको आप भेद ना सके ना हो सके नहीं जा सके तो इसलिए वो जो प्रोग्रेस था ना वो स्लो हो चुका था क्योंकि उस जंगल को पार करना ही मुश्किल था इंटर करना ही मुश्किल था सो योर आंसर विल बी impenetrable. क्लियर है जी द नेक्स्ट वन सेंटेंस रीअरेंजमेंट सेक्शन का ये पार्ट है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट पहले मैंने आपको बताया था कि जनरल सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं और अगर फ्रीक्वेंसी से ना बन पाए तो फिर हम उसके मीनिंग को भी समझने का प्रयास करेंगे लेकिन कोशिश करना है कि हम ग्रामेटिकल अप्रोच लगाए देर आर मैनी सेकेंडरी रीजनस आपको पता लग रहा है कि ये सेकेंडरी रीजन की बात कर रहा है देर आर मेनी सेकेंडरी रीजनस इसका मतलब उससे पहले कोई प्राइमरी रीजन तो होगा तभी तो उसका फिर सेकेंडरी रीजन होगा तो सेंटेंस ए की ए से कोई मतलब शुरुआत नहीं हो सकता कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का और सारे सेकेंडरी रीजन है इट मींस प्राइमरी रीजन होगा तो इसलिए सेंटेंस ए शुरुआत नहीं करेगा और आपके ऑप्शन सी एंड डी वहां से हट गए अब आइए हम देखते हैं कौन सा आंसर हो सकता है आगे पढ़ लेते हैं टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द अन नेचुरल राइज इन दर्थ एवरेज टेम्परेचर फिर सी ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज कार्बन डाइ ऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द लास्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग इज दिंगल बिगेस्ट थ्रीट टू लाइफ ऑन द अर्थ लग रहा है सेंटेंस की शुरुआत डी ही करेगा चूंकि स्टेटमेंट है जिसके बारे में बी एन सी कह रहा है क्लियर है तो सिंपली डी सेंटेंस की शुरुआत करेगा अब आपके पास दो टर्म बच गया है डी डी यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आप किसे प्रेफर करोगे सिंपल सा समझो ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल थ्रीट बिगेस्ट थ्रीट टू लाइफ ऑन द अर्थ सिंपल सा है कि इसी टर्म के बारे में ये दोनों टर्म का एक्सप्लेनेशन है ये ए डी सी बी जो है ना वो किसी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना या फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ये तीनों बता रहा है लेकिन ए तो लग रहा है कि कंक्लूडिंग पार्ट होगा तो आप देख लो यहां पे लिखा है प्राइमरी ड्राइवर्स यानी ये जो टर्म है वो प्राइमरी लेवल पे है तो देर आर मैनी सेकेंडरी रीजन इट मीन प्राइमरी रीजन के बाद वाला टर्म क्या होगा सेकेंडरी रीजन तो देख लो इस प्राइमरी फैक्टर्स सी के बाद ए ऑप्शन ज्यादा सुटेबल लग रहा है क्योंकि ये प्राइमरी फैक्टर्स की बात है ऊपर में सेकेंडरी की बात है तो सी और ए एक साथ होगा सी ए किस ऑप्शन में एक साथ है योर आंसर विल बी और सिंपल सा सोचो ना किसी ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा इसमें है कि द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द डिस्क्राइबरल राइज इन द दर्थ एवरेज टेम्परेचर फिर कह रहा है कि इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देन यू हैव टू एड द सेकेंडरी रीजन फॉर दैट सो योर आंसर विल बी डी बी सी ए ओके नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन फिर से रिअरेंजमेंट सेक्शन का पार्ट है ये दिस अवेयरनेस आपको मैंने बहुत बार बताया है कि दिस दैट इट से sentence की शुरुआत इट्स से सेंटेंस की शुरुआत हम तब करेंगे जब उसके पहले कोई ना कोई टर्म एक्सप्लेन किया गया हो तो सिंपल सा बात है दिस अवेयरनेस कौन सी अवेयरनेस पहले तो उस अवेयरनेस का पता करना पड़ेगा दिस डेज पीपल आर मोर मतलब से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी तो ये पॉइंट गया आपका ये ऑप्शन हट गया यहां से अब आप देखो ही उस अवेयरनेस की बात हो रही है अवेयर ऑफ देर हेल्थ एवरी वन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस जब इंसान को यह लगता है वो अनफिट है उन्हें प्रॉब्लम है अनहेल्दी है तो वो फिर हेल्थी होने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करता है कुछ मेडिकल सप्लीमेंट लेता है इस तरह से तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बी के बाद ए ऑप्शन ज्यादा सुटेबल लग रहा है तो बी के बाद ए किस ऑप्शन में है इसमें है बट थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं देखो लिखा हुआ है दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज सम टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट टू फिजिकल एक्सरसाइज के बाद इंसान को मेडिकल सप्लीमेंट की भी जरूरत है लोग प्रेफर कर रहे हैं लेना तो कहीं ना कहीं सी ऑप्शन जो है ये ये कह रहा है कि वो एक्सरसाइज और सप्लीमेंट भी लेता है तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज के बाद सप्लीमेंट लेगा लेकिन अब देखो इट इज एडवाइसेबल बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर और डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग दैट सप्लीमेंट या हेल्थ सप्लीमेंट एक बार सप्लीमेंट की चर्चा है फिर उसी सप्लीमेंट की चर्चा बाद में है कि अगर व्यक्ति सप्लीमेंट लेना चाहता है तो वो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करे तो आपको पता चल गया कि सी के बाद डी होगा तो सी के बाद डी किस ऑप्शन में है देखो सेंटेंस की शुरुआत तो बी करेगा ये तो बात पता था बी किया सेंटेंस की शुरुआत देन आपको मैंने कहा कि इसके बाद ए है यहां अवेयर अवेयर की बात है अवेयर ऑफ और ऊपर में अवेयरनेस की बात है और ये आपको पता चल गया कि पहले इंसान एक्सरसाइज करेगा और फिर हेल्थ सप्लीमेंट लेगा लेकिन अब एक एडवाइस दिया जा रहा है कि वो इंसान अगर वो हेल्थ हेल्थ सप्लीमेंट लेता है तो सबसे पहले जाकर के वो किसी ट्रेनर से या डॉक्टर से कंसल्ट करे देन करेंप्लीमेंट अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन किसी एरिया इंस्टीट्यूशन uh, में या स्कूल में जो एक लार्ज एरिया होता है जहां स्टूडेंट स्लीप करते हैं बैठते हैं कुछ देर सोते भी हैं तो उस प्लेस को हम डॉर्मेटरी कहते हैं ओके हॉस्टल तो आपको पता है कि एक वैसा जगह जहां पे बेड की फैसिलिटी है खाने की भी फैसिलिटी है हो सकता है वो कम पैसे वाली फैसिलिटी हो तो वैसे एरियाज को जहां पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो हॉस्टल है असेंबली असेंबली तो हम मीटिंग को बोलते नहीं कि असेंबली में आप गए मीटिंग में आप बैठे हो असेंबली में तो कहीं ना कहीं असेंबली मीटिंग से रिलेटेड है और जहां पे एक वैसी एरिया जहां लोग बैठते हैं कुछ देर रेस्ट करते हैं वैसी बेडरूम को हम क्या बोलते हैं डॉर्मेट्री क्रिच एक नर्सरी होता है वेयर वेयर चिल्ड्रेन आर कैप फॉर केयर है ना कुछ समय के लिए बच्चों को वहां रख दिया जाता है हो सकता है उनके ममी पापा गवर्नमेंटल जॉब में होते हैं तो वो जॉब करने जाते हैं और अपने बच्चे को क्रिच में रख देते हैं तो वह शिशुशाला कह सकते हैं उसे वैसा जगह जहां पे बच्चों को कुछ देर के लिए या पांच सात घंटों दस घंटों के लिए केयर में रखा जाए ये ना कि उनको पढ़ाई करवाया जाए नहीं वहां पे नॉर्मली उसको केयर में रखा जाता है तो, तो दैट इज द क्रिच नेक्स्ट वर्ड फिर से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विदिल और एनिमल्स ट्रेवलिंग टूगेदर लोग भी हैं एनिमल्स भी है गाड़ियां भी है तो वही कह रहा है कि ग्रुप उसकी ग्रुप को क्या बोलते हैं तो सर्कस तो हम कलाबाजी दिखाने वाले ग्रुप को बोलते हैं गैंग आपको पता है चोरों के समूह को बोलते हैं थीफ हो गया गैंगस्टर गैंगस्टर ये सब गैंग होता है उसके हम किसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर ग्रुप ऑफ सोल्जर और आर्म्ड फोर्सेस क्लियर है एंड कारवा uh, एक वर्ड है कारवा इसी को हम लोग कहते हैं जहां पे पीपल टिपिकली विद वेकल्स और एनिमल्स एनिमल भी होते हैं वेकिल भी होता है और लोगों की भीड़ भी होती है वही उसी को हम कहते हैं कारवा ओके कैरावेन नहीं कारवा कहो का ज्यादा अच्छा रहेगा सो आंसर विल बी कारवा नेक्स्ट वर्ड इज एंटोनिम्स हार्मनी हार्मनी का मतलब क्या होता है एग्रीमेंट शोहार्द कह सकते हैं आप कि लड़ाई झगड़ा ना हो बड़ा ही समझौते के साथ वो कार्य कर रहे हैं एग्रीमेंटल टर्म इसी एग्रीमेंट की सिनोनिम्स हम कॉनकॉर्ड भी ले सकते हैं इसका सिनोनिम्स हम अकॉर्ड भी कर सकते हैं अकॉर्ड करना कॉनकॉर्ड क्या होता है एग्रीमेंट सेटलमेंट भी होती है जैसे आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉनकॉर्ड मतलब सब्जेक्ट वर्ब के बीच जो एक एग्रीमेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको आप कहते हैं तो कहीं ना कहीं कॉनकॉर्ड होता है सब्जेक्ट नंबर पर्सन टेंस एंड अदर ग्रामेटिकल प्रोफाइल के साथ जो एक अरेंजमेंट होता है जो एक एग्रीमेंट होता है उसे हम भी व्यक्ति तो तो होंगे? होंगे। तो मतलब तो मतलब तो को तो हम पैसिफिस्ट बोलते लेकिन यहां पे हारमनी का एंटो अगर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट विवाद आर्ग्यूमेंट झगड़ा डुवेल ये कह सकते हैं आप अमिटी का मतलब होता है गुड रिलेशनशिप गुड रिलेशनशिप ओके सो यू आंसर विल बी कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट वर्ड इज एंटेनिम्स इलेटेड इलेटेड का मतलब क्या होता है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस बड़ा ही खुशी एक्साइटेड भी कह सकते हैं आप ओके तो एक्साइटेड तो ऑप्शन है आपको एंटे चाहिए प्राउड थ्रिल्ड थ्रिल्ड भी एक्साइटेड बड़ा ही एक्साइटेड होना एजिटेटेड होना भी हो सकता है उत्तेजित होना तो थ्रिल्ड एक्साइटेड और इलेटेड ये तो सिनोनिम्स होंगे प्राउड भी पॉजिटिव वर्ड ही है प्राउड करना गर्व करना so सो योर आंसर विल बी ओके डिप्रेस योर आंसर विल बी नेक्स्ट वन इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड इनकरेक्टली वर्ड परफेक्शनिस्ट का स्पेलिंग सही है पैसिमिस्ट की स्पेलिंग गलत है पैसिमिस्ट पैसिमिस्ट का मतलब होता है एक होता है ऑप्टिमिस्ट जो आपके ऑप्शन में है ऑप्टिमिस्ट एंड पैसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट कहते हैं पॉजिटिव व्यू रखने वाले को है ना होपफुल रहना और पैसिमिस्ट होता है नेगेटिव स्पेक्ट को रखना मतलब नेगेटिव फीलिंग रखना कह सकते हैं आप कि ऑप्टिमिस्ट इज अ पर्सन हु हैज ब्राइट थॉट एंड इज अ पर्सन हु हैज नेगेटिव थॉट थॉट डार्क ओके तो ये हो जाएगा होपफुल ऑप्टिमिस्ट एंड होपलेस हो सकता है पैसिमिस्ट तो आपका तो आंसर पता चल गया कि पैसिमिस्ट का ही जो स्पेलिंग था वो गलत था क्लियर है और फेटलिस्ट क्या होता है वन हु believes in one who believes in destiny है ना जो भाग्य पे विश्वास करे one who believes in fate तो कहीं ना कहीं आप fatalist पता चल गया optimist positive thought रखने वाले को बोलते हैं pessimist जो है वो negative thought you are the optimistic man optimistic adjective profile का word हो गया तो आप बड़ा ही bright thought positive thought रखते हैं pessimist उसका उल्टा है नाउ द नेक्स्ट प्रोफ प्रोफ्यूज वर्चुअस लग्जूरियस एंड रेक्लूज लग्जूरियस की स्पेलिंग गलत है लग्जूरियस है ना दैट इज द वेरी कंफर्टेबल वेरी कंफर्टेबल और लग्जूरियस मतलब अच्छा शानदार होता है स्प्लेंडिड भी कह सकते हैं है, है ना रेक्लूज क्या होता है भाई रेक्लूज जो सॉलिट्री लाइफ जिए वन हुट्री लाइफ है ना जो बंदा अकेला जैसे हरमिट की लाइफ ले लो हरमिट मॉन्क कहीं न कहीं ये सब रेक्लूज लाइफ जीते हैं अकेलापन अकेला, अकेला साइड इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है एंड वर्चुअस का मतलब क्या होता है प्रोफ्यूज की बात करें तो क्वांटिटी में ज्यादा प्लेंटीफुल कह सकते हैं इसे समथिंग लार्ज इन क्वांटिटी ओके प्लेंटीफुल एंड वर्चुअस इसको राइटियस भी बोल सकते हैं गुणवान व्यक्ति है ना गुड वर्चुअस की पॉजिटिव सेंस गुड भी है कि बड़ा ही वो अच्छा इंसान है राइटियस मैन है वर्चुअस पीपल है तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो था वो क्या था ियस की स्पेलिंग गलत थी आइए नेक्स्ट टर्म को देखते हैं नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस द पोस्टमैन हैड डिलीट द लेटर पैसिव वॉइस को आसानी से आप बना सकते देखो हैड है तो आपको इतना बात पता है कि पैसिव वॉइस में हैव हैज हैड रहने से उसमें बिन का प्रयोग करते हैं देखो हैड बिन किस किस ऑप्शन में हैड बिन एंड द लास्ट वन इज हैड बिन ये दोनों में हैड हैडबिन नहीं है तो इस ऑप्शन को पहले हटा लो बी एन सी हट गया अब आपके पास बचा द पोस्टमैन द लेटर द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बनाते समय ऑब्जेक्ट आता है ये तो इसलिए गलत है कि पोस्टमैन ही डिलेड हो गया पोस्टमैन को डिलीट नहीं करो डिलीट नहीं करवाया गया किसको लेटर डिलीट करवाया गया द लेटर हैड बिन डिलीट बाय पोस्टमैन नेक्स्ट वन इज सेनाम्स ऑफ रिजूविनेट रिजुविनेट का मतलब होता है टू गिव न्यू एनर्जी टू गिव टू गिव न्यू एनर्जी यू कैन से रिवाइटलाइज रिवाइटलाइज करना टू रिवाइटलाइज ओके मतलब आप कह सकते हैं ना पुनः यंग होना युवा होना सो रिजुवनेट रिटेल मीन्स होता है टू टेल अगेन टू टेल अगेन रिफ्रेश टू गेट फ्रेश है ना रिवाइव कह सकते हैं इसे टू रिवाइव रिशेट, टू सेट अगेन रिटेक टू टेक अगेन your answer will be refresh okay rejuvenate refresh next one kios kios ka matlab hota hai a state of disorder or confusion you can say आपको पता लग रहा है कि ये कंफ्यूजन वर्ड देखते ही की जो सिनोनिम्स होगी वो कन्फ्यूजन फ्यूजन का मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन जब आप एक से अधिक केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल को मिलाकर के एक नया या एक बेसिक इंटिटी बनाते हैं दो तीन टर्म को मिलाकर के जब एक नई टर्म का निर्माण करते हैं तो तो कहते ही है न्यूक्लियर फ्यूजन है ना सो फ्यूजन पता चल गया कॉम्बिनेशन एंड कंफ्यूजन तो आंसर है आपका टेंशन पता है डर्टी दैट इज द फिल्थ तो कहीं ना कहीं आंसर जो है वो क्या है कंफ्यूजन द नेक्स्ट टर्म इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज वेरी सिंपल आपको पता है इस तरह से वन इन द का प्रयोग नहीं करते वन ऑफ द का प्रयोग करते हम लोग वन ऑफ द अब देख लो यहां पे लिखा है इज वन ऑफ द इज वन इन द एंड इज इन द तो ये ऑप्शन ये तो हटा ही नो no सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही नहीं इंप्रूव करना ही पड़ेगा वन ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है ये बात आप ध्यान रखोगे क्लियर है जी तो कहीं ना कहीं इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए वन ऑफ का प्रयोग करेंगे सोले इज वन इन द ऐसे यूज नहीं होता नेक्स्ट टर्म इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वंस अगेन मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्ट्रियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिविल्ड है ना कि हद तक सच्चाइया जो है भी है उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया रिविल नहीं किया गया तो वो सच्चाई को रिविल नहीं किया गया इट जो मच ऑफ द ट्रूथ है मच ऑफ से पहले वाला टर्म जो होता है वो सब्जेक्ट होता है तो मच अनकाउंटेबल ना उनके साथ लगता है और यहाँ ट्रूथ की बात है तो काउंटेबल तो वो हो ही नहीं सकता तो देख लो यहां लिखा है वर नॉट बींग रिविल्ड वर आप कहाँ से ले लोगे ट्रूथ की बात है और मच की बात है तो कहीं ना कहीं आप उस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो ये वर नहीं ले सकते उसके बाद है हैव नॉट रिविल्ड है तो पास्ट टर्म में जाएगा और आप हैव प्रेजेंट वाला सिचुएशन ले रहे हैं उसके बाद भी ये हैव प्लुरल टर्म है आपको सिंगुलर टर्म चाहिए तो ये भी ऑप्शन गया एंड वर वंस अगेन वर जो है वो प्लूरल टर्म है तो ये ऑप्शन गया योर आंसर विल बी No substitution. It means ये जो लाइन था वो करेक्ट था चूंकि ट्रूथ की बात हो रही है और ट्रूथ के अकॉर्डिंग तो no सही है चूंकि आप ये सिंगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं क्लियर है हम लगा ही नहीं सकते इसके साथ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एर डिटेक्शन का पार्ट है ये वो लाइक टू है वेटर वेटर ने पूछा तो सिंपल सा बात है आपको कि कभी भी हम किसी की विश जानते हैं ना अगर वुड का प्रयोग करते हैं ऐसे यू लाइक टू प्लस वी वन का प्रयोग करते हैं क्लियर है वुड यू लाइक टू प्लस वी वन इट मीन्स आपको पता चल गया कि टू के जस्ट बाद हम भी वन आता तो देखो टू हैव नो प्रॉब्लम बट यह कर दिया लाइक् था लाइक like. मॉडल अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है मॉडल टेक्स वीवन सो योर आंसर विल बी सी मतलब यह लाइक्ड नहीं होना चाहिए था होना चाहिए था लाइक like. ओके okay? तो बहुत ही सिंपल एर डिटेक्शन दिया गया था ज्यादा टफ था नहीं नेक्स्ट देखिए सुपरवाइजर है आपको अभी मैंने बताया वॉन्ट डिसाइड है ना वॉन्ट टू नो क्लियर है तो हो सकता है पास्ट टेंस में अगर हम जाएंगे तो वॉन्टेड कर लेंगे तो सिंपल सा समझिए कि इसके बाद टू प्लस वी वन आता है ना टू प्लस वी वन लेते हैं और आप लिखा गया वॉन्टेड टू नोन होना क्या चाहिए था नो योर आंसर विल बी ए प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फेवरेबल और अनफेवरेबल फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म तो कहीं ना कहीं ये प्रोज भला बुरा भी होता है सो योर आंसर तो पता चल गया कि वॉन्टेड टू नॉन नहीं होना चाहिए वॉन्टेड टू नो होना चाहिए था आइए नेक्स्ट टर्म देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का पार्ट है ये पहले आप इस कॉम्प्रिहेंशन को इजी वे में पढ़ा करें स्पीड में क्योंकि एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है और अगर प्रेशराइज सिचुएशन में आप अगर हैंडल नहीं कर पाओगे टर्म को तो शायद हो सकता है आपका पैसेज जो है वो फाइव क्वेश्चन छूट जाए या एक दो आप बना पाए तो पढ़ते हैं इट इज एसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एडुकेशन एंड स्किल कह रहा है कि फॉर्मल एडुकेशन जो हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं एंड थियोरटिकल नॉलेज लेते हैं तो यही कह रहा है कि एक लिंक बनाने की जरूरत है फॉर्मल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में या स्किल टर्म में हमें स्किल्ड कुछ कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज लेने से काम नहीं चलेगा आगे लिखा है मल्टी एंड पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट स्किल्स आर द डैश रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी सेक्टर सिंपल सा बात है मल्टी का मतलब होता है आपको आप जो प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन के अलावा आप और सारी चीजों को जानते हैं सपोज आप कहीं पे पढ़ा रहे तो सिंपली पढ़ाना आपका टास्क है लेकिन आप कंप्यूटर्स भी जान रहे हैं आप टेक्निकल वे को भी बहुत कुछ समझ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे भी आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं ये सब आपकी आपको जानकारी है तो कहीं ना कहीं आप इन जानकारियों मतलब कलेक्शन ऑफ नॉलेज कह सकते हैं कि बहुत सारे वेरियस सेक्टर में आपको नॉलेज है तो उसे हम मल्टी कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एंड पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट स्किल आर स्किल्वायरमेंट ऑफ एवरी सेक्टर लाइन से पता लग रहा है कि हर सेक्टर में स्किल uh, की जो इनहेंसमेंट है या मैनी रिफॉर्मस आर बिंग डैश इन दायर एजुकेशन टू कोरिलेट अकेडमिक्स टू द डैश ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर कह रहे कि बहुत ऐसे रिफॉर्म्स को लाया गया उस टर्म हमारे एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में जिससे क्या हो सके कि वो कोरिलेट कर सके एकेडमिक को किस सेक्टर से सर्विस सेक्टर से कि आज की जो एकेडमिक्स की जो पढ़ाई है उसे सर्विस सेक्टर से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये सारा टर्म बताया जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी लो थियोरिटिकल नॉलेज भी लो आप लिटरेचर भी पढ़ो और फिर स्किल्ड भी बनो ये कहा जा रहा है द नेक्स्ट वन इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू डैश द वेरी नीड्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड लेबर भी हो और अनस्किल्ड भी हो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो एक सुविधा लेंगे बहुत ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे तो उससे क्या होगा उनकी इनहेंसमेंट होगी उनकी स्किल बढ़ेगी तो ये पूरी पैसेज पढ़कर यही समझ में आ रहा है एक तो टेंस इसने नॉर्मल पास्ट नहीं रखा है प्रेजेंट ही रखा है और इससे पता लग रहा है कि ये एजुकेशन में बहुत सारी चीजों को डिमांड कर रहा है कि एक तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना पड़ेगा और इसमें बात हो रही है एकेडमिक्स को पब्लिक सेक्टर से जोड़ने का सर्विस सेक्टर से जोड़ने का तो आइए वन बाय वन इसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द वन फिल इन द ब्लैंक नंबर वन में क्या फिल करोगे इट इज एसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट अभी मैंने बताया कि मैचुरिटी प्रोग्रेस और राइपनिंग यहां सेंस होगा ही नहीं चूंकि आप ये कह रहे हैं ना कि फॉर्मल एडुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ये एक लिंक करने की जरूरत है फॉर्मल एजुकेशन और किसके बीच स्किल डेवलपमेंट के बीच मल्टी डिसिप्लिनरी अब आते हैं ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया अगले क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है सेकंड फिल इन द ब्लैंक में आप इन शब्दों में से क्या चयन करोगे तो लिखा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी सेक्टर नीडलेस रिक्वायरमेंट नो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट नो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट नो एसेंशियल रिक्वायरमेंट विल बी द आंसर तो ये वर्ड बेस्ड ही पैसेज है कहीं कहीं वर्ड बेस्ड एंड ग्रामर बेस्ड दोनों होता है तो ये तो वर्ड बेस्ड है कि नीडलेस सोच के देखो ना कि हर सेक्टर को क्या जरूरत है स्किल्ड पीपल की मल्टीडिसिप्लिनरी की जरूरत है कि व्यक्ति कोई पढ़ा रहा है तो सिर्फ उसको पढ़ा ही नहीं बल्कि कंप्यूटर्स की भी जानकारी होना चाहिए वो पेज मेकर पे काम कर सके वर्ड फाइल पे काम कर सके पावर पॉइंट पे काम कर सके तो कहीं ना कहीं ये मल्टीडिसिप्लिनरी की रिक्वायरमेंट है तो नीडलेस कैसे हो जाए योर आंसर विल बी एसेंशियल थर्ड फिल इन द ब्लैंक में आप क्या भरोगे मैनी रिफॉर्म्स आर बींग सेटल्ड रिलेटेड इंट्रोड्यूस्ड एंड इंप्रूव अभी तक कोई ऐसी टर्म है ही नहीं तो आप इंप्रूव क्या करोगे आप बहुत ऐसे टर्म को रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस्ड करोगे सो योर आंसर विल बी इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर है सेटल्ड सेटल्ड क्या होता है कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो आप उसे सेटल कर देते हैं या खुद आप सेटल होते हैं तो वो हो गया रिलेटेड यहां पे तो को रिलेट करने की बात हो रही तो रिलेट यहां पे तो आएगा ही नहीं क्योंकि एक साथ को रिलेट एंड रिलेट दोनों कैसे आ सकता है एंड इंप्रूव नहीं किया जा रहा है। पहले से कोई व्यवस्था नहीं है आप नई व्यवस्था को ला रहे हो आप इंट्रोड्यूस करोगे सो आंसर विल बी इंट्रोड्यूस नाउ फोर्थ फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल करेंगे आप देखो मैनी रिफॉर्म्स आर बींग इंट्रोड्यूस्ड अभी आपने फिल किया था इन हायर एजुकेशन टू कोरिलेट एकेडमिक टू द डैस वेरियस सेक्टर वेरियस सर्विस सेक्टर तो आप देख लोडमिक्स को जोड़ना है कोरिलेट एकेडमिक के, के साथ क्या यह इमरजेंसी की बात हो रही है तो फिर अर्जेंसी वर्ड कहां से चार्ज और ड्यूटी तो एक ही जैसे वर्ड आप ये है आप यह कहना चाह रहे हैं कोरिलेट एकेडमिक्स टू द नीड ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर ताकि आप उसको एक फॉर्मल एडुकेशन भी दे सके आप उसकी स्किल को डेवलप्ड करके आप एकेडमिक्स को सर्विस सेक्टर से कोरिलेट कर सके तो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी नीड ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर जिस सेक्टर्स को जिन चीजों की जरूरत है स्किल्ड पीपल की जरूरत है तो नीड ऑफ ना उसकी वो जरूरत है कभी आप उनकी इमरजेंसी वो नहीं है चार्ज और ड्यूटी तो एक ही प्रकार के शब्द होते सो योर आंसर विल बी नीड नेक्स्ट टर्म इज फिफ्थ द ब्लैंक में आप देख लो हमें अगर इसे बनाना पड़ेगा तो हम आगे देखेंगे इनोवेटिव एक ग्रामेटिकल अप्रोच तो पता है कि टू के जस्ट बाद हम भी वन लेते हैं भले हमें यह पैसेज लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रहा तो टू के जस्ट बाद हम क्या रखते हैं टू के जस्ट बाद हम वी वन टर्म को रखते हैं सिंपल सा समझिए मीटिंग तो वी फोर है मेट तो वी टू हो गया पास टेंस एंड मीट्स हो गया वी फाइव दिस इज दी फोर आपको क्या चाहिए वी वन योर आंसर विल बी मेट तो याद रखेंगे कॉम्प्रिहेंशन जो सेक्शन होता है ना वो एक्चुअली या तो ग्रामर बेस्ड होगा क्लियर है या फिर वॉकेबुलरी बेस्ड होगा तो याद रखेंगे ग्रामर बेस्ड वाला पहले अप्रोच आप लगाएंगे देख लेंगे कि अगर ये ग्रामर बेस्ड है तो आसानी से आप बना लेंगे दूसरी बात याद रखना सीजीएल के पेपर को अगर आप देखेंगे तो वो ग्रामर ग्रामर एंड बेस्ड 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 दोनों होते हो 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 सकता है दो तीन, दो हो, तीन तीन तो तो आपको तो ये वर्ड स्टॉक करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा इस तरह से आपने ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया होगा आपको अच्छा भी लगा होगा आइए आपसे एक मैं और रिक्वेस्ट कर लूं कि अगर आपने इन सारे सोशल साइट्स को सब्सक्राइब लाइक एंड फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग